हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत ही फंटास्टिक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, ट्विन फ्लेम घोस्ट स्टेज, जी हाँ दोस्तों, घोस्ट, वो भूत वाले घोस्ट, वो स्टेज क्या होती है? एक सब्सक्राइबर ने हमारे कमेंट किया है, सर घोस्ट क्या होते हैं ट्विन फ्लेम में? दोस्तों, मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ ही टेलीपैथिकली अगर आप समवन के साथ कनेक्ट हैं, इसकी आपकी एनर्जीज पे, आपकी माइंड पे, इमोशंस पे क्या असर पड़ता है और कैसे आप इन चीज़ों से बाहर निकलें, चलिए बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्टो। दोस्तों, अगर आप कॉन्टिन्यूसली समवन के बारे में सोच रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं या कोई आपके बारे में सोच रहा है, तो आप उसकी कॉन्टिन्यूसली लगातार एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं और अपनी एनर्जी इसको दे रहे हैं। आप कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप कोई काम कर रहे हैं और सडनली किसी की इमेज बार बार आ रही है आपके माइंड में, आपके इमोशंस आ रहे हैं उस पर्सन के लिए, तो वाई दिस इज हैपनिंग इन योर लाइफ, इसका क्या मीनिंग होता है? स्पिरिचुअली इसका बहुत डेप्थ में मीनिंग होता है। अगर कॉन्टिन्यूसली समवन आपके बारे में सोच रहे हैं, मैटर ये नहीं करता किसी का कार्मिक कनेक्शन है, सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, मैटर ये करता है उनकी एनर्जी अगर आप किसी भी तरीके से रिसीव कर रहे हैं अपने ऑरा में और आपका ऑरा इतना प्रोटेक्टिव नहीं है, इतना अच्छा बेहतर नहीं है, तो आप भी उसमें स्टक हो जाएंगे और इससे आपको इश्यूज रहेंगे, आपको प्रॉब्लम्स रहेंगे, अप डाउन रहेगा। दोस्तों, ये बोल रखा हुआ मैं हीलिंग के बारे में रेकी बता रहा था और इसी के बाद जस्ट ये वीडियो बनाने लगा। बहुत इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, एक लोगों ने क्वेश्चन किया था घोस्ट के बारे में, मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए, घोस्ट एक्चुअली एक स्टेज है, मैंने उस स्टेज की तरह डिफाइन किया क्योंकि काफ़ी वर्ड इस तरह के मैंने सुनने में आए दिन आए हैं। एक्चुअली जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले नहीं होते हैं या आप जानते हैं कि समवन इज़ वेटिंग फॉर मी या आप किसी को खोजने जाना है, चाहे वो DM हो चाहे DF हो, राइट, और इस केस में आप कॉन्टिन्यूसली उनकी एनर्जीज़ को रीड कर पाते हैं, उनके बारे में जान पाते हैं, आप ये जान पाते हैं कोई ना कोई समवन मेरे प्रोटेक्शन कर रहा है, कोई एंजल आपका प्रोटेक्शन कर रहा है, इसलिए जो घोस्ट की तरह देखा गया है। घोस्ट इससे एक्चुअली क्या होता है, दिखाई तो देते नहीं है बट हम उनकी एनर्जीज़ को फील कर सकते हैं, डर लगता है, तो ये सब एनर्जी इम्पैक्ट है। उसी तरह ये एक स्टेज है, जब आप फील करते हैं कि कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचना है, इस केस में डिवाइन, गॉड, ईश्वर आपकी मदद करते हैं, शिव आपकी मदद करते हैं अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, अपने अंदर वो इनलाइटमेंट, वो स्टेज तक जाने के लिए आपकी हेल्प होती रहती है, स्पिरिट गाइड आपकी मदद करते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे एंजल्स हैं जो आपकी मदद करते रहते हैं। आप काफ़ी बार महसूस करेंगे आप एकदम किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, अचानक कहीं से आपको हेल्प मिल जाती है, कोई सजेशन मिल जाता है जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाती है और आगे उस जर्नी में ग्रोथ कर जाते हैं। एक्चुअली ये इसलिए हो रहा होता है कि आपके एंजल्स जो होते हैं, हर किसी पर्सन का एक एंजल्स होते हैं, स्पिरिट गाइड, गार्डियन एंजल होते हैं, वो आपके कॉन्टिन्यूसली मदद करते रहते हैं और आपको गाइड करते रहते हैं। अगर आप अपने आप से कनेक्टेड नहीं हैं तो अपने स्पिरिट गाइड की मदद नहीं ले पाते हैं, उनकी कम्युनिकेशन, जो हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमको ट्यूशंस दे रहे हैं, हम नहीं सुन पा रहे, इसलिए अट्रैक्ट करने के लिए वो सम नंबर्स आपको प्रोजेक्ट करते हैं, कुछ चीज़ें आपके लाइफ में हैपनिंग करते हैं जिससे आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे ध्यान दें, आप अपने आप पे ध्यान दें, आप ये ध्यान दें कि आप कौन हैं, आप सिर्फ बॉडी नहीं हैं, आप सिर्फ ये माइंड नहीं है जो कॉन्टिन्यूसली बस सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, आप एक्चुअली कुछ और हैं, आप एक एनर्जी हैं, आप एक सोल हैं जिससे अपने आप के बारे में इंक्रीमेंट करना है, अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है। अगर आप टेलीपैथिकली किसी भी पर्सन से कनेक्टेड हैं, चाहे वो स्पिरिचुअली हो गया, मेंटली हो गया, इमोशनली हो गया, किसी भी लेवल पे और लास्ट में किसी भी डेप्थ में आपके चक्रा और कॉर्ड कनेक्शन है, तो उस कनेक्शन की वजह से या कोई भी पर्सन अगर अपने भी तरफ से आपका साथ कॉर्ड कनेक्शन या कभी भी आपका इमोशनल अटैचमेंट किसी पर्सन के साथ रहा है, तो इसका बहुत बड़ा ये इम्पैक्ट पड़ता है जब भी वो आपके बारे में सोचता है। अगर वो निगेटिव तरीके से सोच रहा है, एक्सेसिव सेक्चुअल थॉट क्रिएट कर रहा है, एक्सेसिव फिजिकल अटैचमेंट है, तो आपकी एनर्जीज पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा डेफिनेटली। उस केस में आपको भी सम काइंड ऑफ फीलिंग्स इन्हेंसमेंट हो जाना, अचानक से एकदम से लो हो जाना, डाउन, डल फील करना,
ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है जिसकी वजह से आप अपने लाइफ का फोकस अपने करियर पे, अपने रिलेशनशिप्स पे नहीं दे पाते हैं। इस केस में आपको अपनी स्पिरिट गाइड एंड ट्यूशंस की मदद लेनी चाहिए। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उसमें अगर आप घोस्ट की स्टेज पे हैं, लाइक उस स्टेज पे हैं जब कंटिन्यूअसली अपनी ट्विन फ्लेम की एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि समवन इज़ वेटिंग फॉर मी या मुझे कहीं जाना है, मुझे कंप्लीट होना है, इस तरह की अनकंडीशन डिज़ायर आपके अंदर रह रही है, तो उस डिज़ायर को कंप्लीट करना तभी हो सकता है जब तक आप अपनी ट्विन फ्लेम से मिलना जाएं, या आप अपने आप का इंक्रीमेंट या अपनी अवेयरनेस, अपनी कॉन्शियसनेस को उस लेवल पे ना ले जा पाएं जब तक आप इन सब चीज़ों से परे जा पाएं, ऊपर जाके देख सकें। क्योंकि यही एक रास्ता है जब अपनी जर्नी को आप कंप्लीट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके चार्ट में कोई पर्टिकुलर दोष बन रहा है, कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे मून इमोशन से रिलेटेड हो, वीनस आपके रिलेशनशिप और कंपैटिबिलिटी मतलब सन मतलब आपकी सोल से रिलेटेड हो, मार्स मतलब ओवरऑल आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो, मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी डिस्टर्ब हो, देन ये सारे इश्यूज़ आपके लाइफ में हैपनिंग होंगे। तो अगर कभी भी आपको टेलीपैथिकली किसी के साथ भी ऐसे इंट्यूशंस फील हो, तो उसके कुछ पॉजिटिव मीनिंग्स भी होते हैं। संबंध से हमको कुछ अच्छे एनर्जी रिसीव हो रही होती है, उसको होने देना चाहिए, उससे डिस्कनेक्ट नहीं होना है। कोई एनर्जी आ रही तो उसका वेलकम करिए, रेसिस्ट मत करिए, बट आप अपनी एनर्जीज को इतना राइज कर लीजिए, अपने आप को इतना इंक्रीमेंट कर लीजिए कि उसका असर भी एकदम पॉजिटिवली पड़े। आप सब लोगों की थिंकिंग को नहीं रोक सकते हैं, बस आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट थिंग जिससे आप अपनी इस कॉन्टिन्यूस घोस्ट की स्टेज से आगे चले जाएंगे। भले आपका ट्विन फ्लेम डाउन हो, वहाँ से एनर्जी अच्छी आ रही हो नहीं आ रही हो, उससे मैटर ही नहीं करता। बहुत सारे लोग इस वजह से परेशान रहते हैं, मेरे पास कॉल्स होते हैं या पर्सनल सेशन में, कि ट्विन फ्लेम बेहतर स्थिति में नहीं है, वहाँ से मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, ब्लॉक किया है, ब्लाइंड हैं, बस चले जा रहे हैं, करियर के पीछे भाग रहे हैं। ये सारे इश्यूज़ तभी होते हैं जब आपका हेल्दी स्टेज नहीं होता है। आपको पहले अपनी हेल्दी स्टेज पे जाना पड़ेगा, अपनी हेल्दी रिलेशनशिप को लाना पड़ेगा, अपने हार्ट चक्र को हील करना पड़ेगा। जब आपके हार्ट चक्र हील होंगे, जब आपके थ्रॉट चक्र हील होगा, तब आप में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि आप कम्युनिकेट कर पाएंगे प्रॉपरली अपने ट्विन फ्लेम से, अपने रिलेशनशिप में, अपने पेरेंट्स से, सोसाइटी से। जो चीज़ सोसाइटी से लेनी है, समाज से लेनी है, हम वही चीज़ लेंगे, बाकी चीज़ों को स्किप करते जाएंगे। इसी तरीके से आपकी ये जो जर्नी है कंप्लीट हो जाएगी, और जो ये घोष स्टेज है आप वहाँ से पार हो जाएंगे, और जो टेलीपैथिक कनेक्शन किसी से भी बन रहा है, चाहे वो कार्मिक हो चाहे ट्विन फ्लेम हो, आप उस कनेक्शन से ओनली हेल्दी चीज़ें ही पाएंगे। और कुछ अच्छे कनेक्शन भी होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, आपके जो मेंटर्स हैं, या ऐसे पर्सन जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, वहाँ से एनर्जी कॉन्टिन्यूसली आ रही है, तो ऐसे आपको परेशान नहीं होना है। कुछ अच्छी चीज़ें भी आपको सपोर्ट कर रही है टेलीपैथिकली, बट आपको उन चीज़ों पे फोकस करना है जो आपके लिए अच्छी हैं। जो अच्छी नहीं है, क्योंकि आप अगर निगेटिव साइड पर ध्यान देंगे ना, आप कॉन्टिन्यूसली यूनिवर्स को वही देते रहेंगे, जिसके बाद आपके साथ अगेन एंड अगेन वही हैपनिंग होता रहेगा। तो उस चीज़ से, उस चीज़ के ब्लॉकेजेस से निकलिए, खुद के ऊपर वर्क करिए, खुद को जानिए, एंड देन आप महसूस करेंगे सडनली वो जो कनेक्शन थे, वो जो निगेटिव बॉन्ड्स थे, कार्मिक बॉन्ड्स थे, वो सडनली रिलीज होने लगे, पेन के फॉर्म में, रियलाइजेशन के फॉर्म में, अवेकनिंग के फॉर्म में, देन यू फील वेरी गुड एक्चुअली। तो वीडियो आज तक यहीं तक, उम्मीद है आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो अपने दोस्त साथियों को जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।